Hello students, welcome to the computer class. So students, today we are going to start our fourth chapter, computer applications. Okay, we have completed three chapter of computer. Now we will start fourth chapter, that's name is computer application. Okay, so children, do you know what is mean by application? Computer applications matlab कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, वो आज हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर आपने कहाँ पे देखा है? कंप्यूटर देखा है आपने कहाँ कहाँ पे होता है? कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में है ना, रेलवे स्टेशन पे, बैंक में. आप जब कभी आपके मम्मी पापा के साथ जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर होता है, देखा है ना आपने. तो आज हम इस चैप्टर में वही सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक आउट योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक एंड टर्न टू द पेज नंबर 26. Computer applications. So students, these are contents of this chapter. Okay, first is entertainment, next education, next banks, railway stations and airports, hospitals, offices, defense and designing. तो computer कहाँ कहाँ पे apply होता है वो सारे contents यहाँ पे दिए हैं. ओके, द कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन ऑफ ग्रेट ऑल अराउंड यूटिलिटी. लेट अस स्टडी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अवर लाइव्स. ओके, सी ऑन पेज नंबर 27. एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर किस लिए यूज़ किया जाता है? एंटरटेनमेंट के लिए. कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज. हमने पहले भी सीखा है कि कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं. ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स, हम कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना, ये सब आपको मालूम है. लिसनिंग टू म्यूजिक, कंप्यूटर पे हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं. एंड वॉचिंग मूवीज, और कंप्यूटर पे हम मूवीज भी देख सकते हैं. दे हेल्प इन मेकिंग कार्टून मूवीज एंड एनिमेशन फिल्म्स. कंप्यूटर का यूज़ हम कार्टून मूवीज देखने के लिए भी कर सकते हैं, और जो एनिमेटेड फिल्म्स होती है, आप कार्टून्स वगैरह देखते हो ना टीवी पे, वो सब क्या है, एनिमेटेड फिल्म्स है. वो फिल्म्स बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन. एजुकेशन मींस हम जो पढ़ाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एजुकेशन, मराठी में उसे बोलते हैं शिक्षण. ओके, तो एजुकेशन में कंप्यूटर का कहाँ पे यूज़ होता है वो अब हम देखेंगे. कंप्यूटर्स आर यूज फॉर टीचिंग, मेकिंग टाइम टेबल्स एंड प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स इन स्कूल्स. कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं? फॉर टीचिंग मीन्स हम कंप्यूटर पे स्टूडेंट्स को टीच भी कर सकते हैं. मेकिंग टाइम टेबल्स, कंप्यूटर पे हम टाइम टेबल्स भी बना सकते हैं. एंड प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स इन स्कूल्स, और स्कूल में जो रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट बनता है वो कहाँ पे बनता है? कंप्यूटर पे. ओके, सो रिजल्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल में. नेक्स्ट है, दे आर यूज्ड फॉर कीपिंग फी रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. कंप्यूटर का यूज़ हम फी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखने के लिए भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स जो होते हैं कि कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, वो सब रिकॉर्ड्स हम कंप्यूटर पे स्टोर करके रख सकते हैं. और हमारे लाइब्रेरी में
कितने बुक्स हैं वो उसका भी रिकॉर्ड हम कंप्यूटर पे स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, दे ऑल्सो हेल्प इन डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स कैन यूज़ कंप्यूटर्स इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क. यू कैन यूज़ कंप्यूटर्स टू कंप्लीट योर होमवर्क. आपका होमवर्क कंप्यूटर पे भी कंप्लीट कर सकते हो. ओके, जैसे आप नोटबुक में पेंसिल से राइट डाउन करते हो, वैसे ही आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड का यूज़ करके, कीबोर्ड पे टाइप करके आपका होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज बैंक्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स. ओके, कंप्यूटर्स का यूज़ बैंक में भी होता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय बैंक्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट होल्डर्स. बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं, आपके मम्मी पापा का अकाउंट होगा, देखो बैंक में, तो वो जो अकाउंट होता है वो अकाउंट के सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर पे स्टोर करके रख सकते हैं. दे हेल्प इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ कैश. किसके अकाउंट में कितनी कैश है वो सारे रिकॉर्ड्स हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, कंप्यूटर्स हेल्प इन गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी अकाउंट इन द बैंक. बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कंप्यूटर में कभी भी देख सकते हैं. कंप्यूटर हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है. ओके, दे हेल्प इन विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM. ATM देखा है आपने? हाँ, आपके मम्मी पापा जाते होंगे ATM में. ATM का कार्ड होता है और वो कार्ड इंसर्ट करते ही हम पिन कोड होता है उसको, और पिन कोड प्रेस करते ही हम उसमें से कैश विड्रॉ कर सकते हैं. तो वो जो ATM होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM. आपने जो लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिखे ना आपके नोटबुक में, तो वो उसमें ये ऐड करना है आपको. प्रीवियस वीडियो में हमने लिखे ना वो शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, उसमें ये एक ऐड कर लो ATM, और उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है. वो जो पहले हमने लिखे है उसमें ही आगे कंटिन्यू लिखना है आप. ओके, तो वो जो ATM होता है उसमें से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं. वो भी क्या होता है? एक कंप्यूटर ही होता है. ओके, तो बैंक में कंप्यूटर के इतने सारे यूजेस होते हैं. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स आल्सो. ओके, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर्स हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट सीट अवेलेबिलिटी एंड बुकिंग्स. आप कभी गए हो ट्रेन से? तो हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हम बुकिंग करते हैं, टिकट बुक करते हैं ना, पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है. तो रिजर्वेशन करते वक्त सीट अवेलेबल है या नहीं, कितनी बुकिंग हुई है, कितनी सीट बाकी है, वो सब रिकॉर्ड कंप्यूटर पे स्टोर करके रखते हैं, और वो सब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें दे सकता है. ओके, नेक्स्ट, दे हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. कंप्यूटर में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं कि ट्रेन का अराइवल टाइमिंग क्या है, डिपार्चर टाइमिंग क्या है. अराइवल मतलब ट्रेन का जो आने का वक्त होता है वो, और डिपार्चर टाइमिंग मतलब ट्रेन का जाने का टाइमिंग.
ओके, ट्रेन का या फिर एरोप्लेन का अराइवल टाइमिंग और डिपार्चर टाइमिंग, ये आपको याद रखना है। अराइवल टाइमिंग मीन्स आने का टाइमिंग और डिपार्चर टाइमिंग मतलब ट्रेन जाने का टाइमिंग। ओके, वो सारे टाइमिंग्स कंप्यूटर पे वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और वो हमें कंप्यूटर कभी भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दे आर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन से या फिर एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करते हैं वो सारे पैसेंजर के रिकॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं, कंप्यूटर पे स्टोर हम कर सकते हैं। ओके, वो सारे रिकॉर्ड्स हम कंप्यूटर में रखते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर्स हेल्प इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए होता है, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, मतलब हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स है, कितने पेशेंट्स का डिस्चार्ज हुआ है, वो सब रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। डॉक्टर्स यूज कंप्यूटर फॉर रिकॉग्नाइजिंग इलनेस, जब भी कोई बीमार होता है तो वो उसकी बीमारी का निदान लगाने के लिए डॉक्टर्स कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर है। ओके, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर अ नंबर ऑफ मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट के लिए अभी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कंप्यूटर का यूज हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, एजुकेशन के लिए भी करते हैं, बैंक में भी कंप्यूटर अप्लाई होता है, और रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल्स में, ये सारी जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।